वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक, जो कि एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक है स्वाति मैम का। जी हाँ, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैं उनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी, तो सोचा क्यों ना आज इनका ही इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया जाए। अगर आपको बहुत हैवी मेकअप नहीं करना हो, सिंपल मिनिमम मेकअप करना हो, आप छोटे मोटे फंक्शन जैसे कि घर में पूजा हो, किसी के बर्थडे पार्टी हो, तो आप ये वाला सिंपल मेकअप लुक ट्राई कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप करने से पहले सबसे पहले आप फेस वॉश कीजिए, इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए। अगर आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करना हो तो आप कोई भी फेशियल सीरम का भी यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन के लिप बाम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर। मैंने यहाँ पे कलर बार का प्राइमर यूज़ किया है। इसे हम पूरे फेस पर डैबिंग मोशन में अप्लाई करेंगे। प्राइमर हमारी स्किन के ओपन पोर्स को हाइड करता है, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ये वाला स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन। मैंने यहाँ पे मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन यूज़ किया है। थोड़ा सा फाउंडेशन अपने बैक ऑफ द हैंड पर लेके डॉट डॉट करके पूरे फेस पर फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर ये फाउंडेशन का रिव्यू और डेमो शेयर किया हुआ है, तो मैं ऊपर आई बटन पर इनकी लिंक दे दूँगी। अगर आपको फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है तो आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं हो तो आप फिंगर की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। मैंने सारी प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां से भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर। मैंने यहाँ पे मेबलिन का कंसीलर यूज़ किया है। इसको हम हमारी अंडर आइज पे लगाएंगे और फेस पर जहाँ जहाँ भी डार्क स्पॉट्स हो गए हो वहाँ पे भी आप थोड़ा अप्लाई कीजिए। अब हम वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करेंगे। अगर आपको डार्क सर्कल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पहले आप अपनी अंडर आइज पर ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कीजिए, इसके बाद ये वाला कंसीलर अप्लाई कीजिए। ओके, सो अब हम हमारे फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मैट स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर करने से हमारा फेस थोड़ा सा स्लिम दिखेगा। अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आप नीचे जॉ लाइन पे भी थोड़ा सा अप्लाई कीजिए और थोड़ा सा फॉरहेड पर भी अप्लाई कीजिए। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्लश। मैंने यहाँ पे मैक का ब्लश यूज़ किया है। इसे हम हमारे चीक्स पर और थोड़ा सा नोज पर अप्लाई करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटर। मैंने यहाँ पे मेबलिन का हाइलाइटर यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छी वाली प्रोडक्ट है, मुझे पर्सनली ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसे हम चीक बोन्स पे और ब्रिज ऑफ द नोज पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। ओके, सो हमारा बेस एकदम रेडी है। अब मैं यूज़ करूँगी प्राइमर, यह मैक का प्राइमर। इससे हमारा बेस एकदम सेट हो जाएगा। अब हम करेंगे आई मेकअप। मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। अब ये वाले लाइट ब्राउन शेड को मैं अपनी पूरी लीड पर अप्लाई करूँगी। अब ये वाले डार्क ब्राउन शेड को मैं अपनी क्रीज पर या और आउटर वी पर अप्लाई करूँगी। अब मैं ये वाले शिमरी शेड को अपनी हाफ आई लिड पर अप्लाई करूँगी।
आज का मेकअप लुक एकदम सिंपल है, तो मैंने यहाँ पे हल्का फुल्का आई मेकअप किया है। अगर आप बिगिनर हो तो आप ये वाले आई मेकअप को इजीली कर सकते हो। अब हम उसी वाले शेड्स को अपनी लोअर लाइन पर अप्लाई करेंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मस्कारा। मैंने यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया है। मैं अपनी अपर लैशेज और लोअर लैशेज पर अप्लाई करूँगी। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी नायका का आईब्रो पेंसिल, थोड़ा सा ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल है, जिससे हमारे आईब्रोज को एक नेचुरल लुक मिलता है। अब मैं ये वाले शेड को अपनी ब्राउ बोन पे अप्लाई करूँगी। अब बारी है लिपस्टिक की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिप लाइनर लगाऊंगी। मैं यहाँ पे मैक की लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइनर करने से हमारी लिपस्टिक स्प्रेड आउट नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे मैक की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। शेड है रूबी वो, और रेड कलर की लिपस्टिक है। ये मेरे दुपट्टे के साथ मैच कर रही थी, इसलिए मैंने ये वाली लिपस्टिक अप्लाई की है। अब मैं मेरे मेकअप को सेट कर लूँगी। अब मैं मेरी इयररिंग्स पहनूंगी और बिंदी में अप्लाई करूँगी ब्लैक कलर की। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू।